मामला ये है कि जब बोर्ड ही का मान्यता नहीं है, भारत सरकार से मान्यता है ही नहीं, TISCE बोर्ड तो वो मान्यता है ही नहीं, तो फिर वो पूरे देश में चल कैसे रहा है और भारत सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर रहा? तो भारत सरकार एक तरफ तो बोलता है कि हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज है ही नहीं, तो भारत सरकार इसको बंद करने का आदेश क्यों नहीं कर रहा? कि अगर बंद नहीं करेगा तो इसको CBSE बोर्ड में कन्वर्ट कर दे, तो हमारा एक ही बोर्ड हो जाएगा, ताकि ये सरकार के कानून में रहेगा, सरकार के अंडर में रहेगा। अभी बोलता है कि सरकार के कानून में नहीं है ये। तो जब सरकार के यहाँ कोई बातें नहीं मानता है, तो ऐसा बोर्ड जो मानता है ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके पीछे कौन है? ये हमारे देश में लूटने के लिए ये बोर्ड बना हुआ है, सब मिल के लूट रहा है बच्चे का, गरीब गरीब बच्चे का से हजारों हजार रुपये का फीस के तौर पे लिया जा रहा है। तो फर्जी बोर्ड को मान्यता जब है ही नहीं, तो भारत सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर रहा? यही सब को देखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और ये अंडर प्रोसेस में चल रहा है। TISCE बोर्ड है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है, ना ही सेटअप किया है, ना ही रिकॉग्नाइज किया। तो उस आधार पे हमने पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा, उनके यहाँ से भी चिट्ठी आया, राष्ट्रपति जी को भेजे, उनके यहाँ भी चिट्ठी आया। जब ये अप्रूव्ड है ही नहीं, तो इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाए? या फिर भारत में एक ही बोर्ड का क्यों नहीं होना चाहिए? जब भारत एक देश है, एक सब कुछ है, तो हमारे देश में तीन तीन चार चार बोर्ड क्यों? तो इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी को भेजा। राष्ट्रपति को भेजने के बाद फिर हमने सुप्रीम कोर्ट को 28 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखा, जिसमें हमने सारा डॉक्यूमेंट लगा के भेजा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसको रजिस्टर कर लिया है और अंडर प्रोसेस में चल रहा है। तो कुछ उसके बाद हमारे पास कुछ कागजात भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से आया है, उसी को हमने आज फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। सूचना अधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा संबंधित प्राधिकारी से सूचना की मांग की गई थी और प्राप्त किया गया है, उसे संलग्न कर उन्होंने उपायुक्त महोदय की सेवा में उपलब्ध कराया था। संबंधित मामला नीति निर्धारण से संबंधित है, अतएव राज्य सरकार एवं विभाग के स्तर पर कोई भी निर्णय लिया जाना है।